जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो एजेंट 15-20 हज़ार रुपये लाइसेंस बनवाने के लिए मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं, और उससे आपको कैसे बचाया जा सकता है और अपने आप को सेफ कैसे किया जाता है। क्योंकि कई मेरे पास कमेंट भी आए हैं, कई कंप्लेंट भी आई है कि सर एजेंट ने पैसे ले लिए हैं, पैसे नहीं दे रहे और मेरा काम भी नहीं हो रहा और मेरी लर्निंग भी एक्सपायर कर गई है। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, तो वो अगर स्किप करके वीडियो देखोगे तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट वो छूट जाती है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल एमटी डॉक्यूमेंटेशन में, जो भारत में एक ऐसा मात्र चैनल है जो आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने में मदद करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जागरूक करता है और आरटीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है ताकि आप आरटीओ में अपना काम सावधानी पूर्वक करा सकते हो। मेरे इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है, कहीं स्टेटों से मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, लेकिन उस बीच में यार कहीं ना कहीं एक बात आ जाती है कि लोग सोचते हैं यार अभी मेरा कुछ पैसे लेके देके काम करा दें। दोस्त मैं कुछ पैसे लेके काम नहीं करा सकता आपका, लेकिन आपका मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूं जो विदाउट पैसों से आप अपना काम करा सकते हो। क्योंकि किसी को अपने पैसे दिए और वो लेके भाग गया तब भी आप ही को भागना पड़ेगा, और अगर मेरी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से अगर आपका काम घर बैठे हो जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो दोस्तों आज हम बात करते हैं लाइसेंस की। हर स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है, कहीं में घर बैठे आप लर्निंग बना सकते हो और कहीं आपको विजिट करना पड़ता है आरटीओ में, तो दोनों ईजी है। अब कहीं स्टेट में आधार का प्रोसेस है, कहीं स्टेट में विदाउट आधार का भी प्रोसेस है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली आधार से कनेक्टिविटी की जा रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, लर्निंग आप सबसे पहले खुद काट लो, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट से बात करोगे लर्निंग और परमानेंट के लिए, वो लर्निंग आपकी करके दे देगा, उससे आपसे 4-5 हज़ार रुपये ले लेगा आराम से, और लर्निंग आप 4-5 सौ रुपये में खुद ही बना लोगे। इतने पढ़े इतने एजुकेटेड होते ही हो आप लोग, रोड साइन के क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं, अगर उस पर वीडियो देखना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना क्या उसे चेक करना, आराम से आप टेस्ट पास कर लोगे। लर्निंग के बाद परमानेंट की बात आती है, तो एजेंट यहां अपना मुद्दा से वो पहले पैसे ले लेता, जी मैं परमानेंट करा दूंगा उस डेट का टाइम है, तो वहां उसे पैसे नहीं देने, पहले आपको उससे समझना है कि आप मेरा काम कैसे कराओगे। अगर आपकी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप उससे काम मत करें। अगर वो गाइड नहीं करता आपको कि ऐसे ऐसे होगा, तो अगर आपको मिसगाइड करते हैं, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लो। मैं गारंटी कहता हूं दोस्त आप वीडियो को लाइक करके जाओगे जब काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि हम पहले पैसे दे देते हैं और उसके बाद काम ना हो तो हम उस बंदे को कहां ढूंढें, जिसके ऑफिस है चलो हम उसे ऑफिस में तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो राह चलते हुए विश्वास करके पैसे दे देते हैं उसको कैसे पकड़ोगे। और सही बताओ यार, हमारी दिल्ली हमारे भारत देश की जनता बहुत ही भोली है, कहीं ना कहीं जगह वो इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेती है और पैसा भी दे देती है, और कहीं जगह चोट खानी पड़ती है, फिर उसकी वजह से जो सही बंदे होते हैं उनको भी सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप एजेंट की फीस से बच सकते हो, उनसे फ्रॉड से बच सकते हो, क्योंकि आजकल एजेंट फ्रॉड बहुत कर रहे हैं। आपको बचाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, कोई आपको मिसगाइड ना करे, कोई बेवकूफ ना बनाए। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आपको कुछ भी इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग आप डाल देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पढ़ना जरूरी है ना, उसी तरीके से अगर गाड़ी आप चला रहे हो ना तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना बहुत जरूरी है। आप 200-500 रुपए देके पुलिस वाले से तो बच सकते हो, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, परिवार को जो आर्थिक सहायता मिलनी थी या इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम लेना था उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा, फिर आप परेशान होगे, 400-500 रुपए की चीज के लिए 1000 रुपए खर्च करोगे, लीगल एडवाइजिंग लोगे, परेशान होगे, पुलिस थाने के चक्कर काटोगे। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप 18 साल के होते ही लाइसेंस बनवा लीजिए। लाइसेंस में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ताकि जिसको नीड है उसको ये वीडियो मिल जाए, जिसकी वजह से जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे इस भारत में, कितने लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। प्रयास गवर्नमेंट भी करती है, प्रयास हम भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अच्छी से अच्छी सुविधा बता सके कि इस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और सब आपके भले के लिए कर रही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसीलिए आपको अपना लाइसेंस 18 साल का होते ही लाइसेंस बनवाना है। कोई दिक्कत आए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना है। जय हिंद जय भारत।